दोस्तों सब्सक्राइब करो टेक्निकल सिंह धोली को और प्रेस करो इस घंटे को ताकि आप सबसे पहले वीडियोस देख पाए। नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं आज आपको कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इसे देख के कुछ सीखोगे या कुछ समझोगे। तो दोस्तों आज मैं क्या सिखाने वाला हूँ, देखिए जैसे कि ये एक माइक है। ये माइक ज्यादातर यूज करते हैं यूट्यूबर लोग, यानी कि मेरे जैसे लोग जिनका यूट्यूब पे चैनल होता है। अब इस माइक में क्या है, देखो यहाँ पे है 1 2 3 4 फोर पिन है, ठीक है। अब मैं फोर कहाँ से गिना हूँ मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे देखना दोस्तों, मैं थोड़ा फोकस करने की कोशिश करता हूँ, बस थोड़ा क्लियरिटी मुझे नहीं मिल रही है यहाँ पे। देखो ये 1 2 3 4, एक दो तीन चार, चार है मतलब कि चार पिन है इसमें, ठीक है। तो अब ये चार पिन वाला जो है, अब ये हमें यूज करना है सिस्टम यानी कंप्यूटर में या लैपटॉप में। तो उन सब चीजों में क्या होता है कि 3 पिन का काम करता है, यानी 1 2 3, केवल 3 पिन की उसमें होती है। और 4 पिन वाला काम करता है मोबाइल वगैरह में, जैसे मोबाइल आप यूज कर रहे हो, टैबलेट यूज कर रहे हो, तो उन सब चीजों में आप पे ये 4 पिन का माइक काम करेगा, ठीक। अब मुझे लेकिन यूज करना है, मुझे यूज करना है दोनों में, हैंडसेट में भी यूज करना है और कंप्यूटर में भी यूज करना है। क्योंकि मैं एडिटिंग वगैरह करता हूँ तो एडिटिंग करने के लिए मेरे को एक माइक चाहिए होती है, जहाँ पे मैं थोड़ा गलत बोल दिया होता हूँ तो उसको मॉडिफाई करके उसे सही करने के लिए मुझे इस माइक की जरूरत पड़ती है। तो वो मैं किस तरह से करता हूँ मैं आपको वो दिखाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले आपको एक जैक लेना होगा 4 पिन का, ठीक है। ये जैक आपको इजी वे कहाँ मिलेगा, किसी मोबाइल के पुराने मदरबोर्ड में। ये मैंने निकाला है नोकिया के 5130 हैंडसेट से, तो इसे मैंने निकाल लिया है। और एक ब्रेडबोर्ड का, सॉरी एक आता है नॉर्मल सर्किट, ये है, ये सर्किट वगैरह बनाने के लिए अपना खुद का कोई सर्किट अगर आपको डिजाइन करना होगा तो ब्रेडबोर्ड टाइप का है ये, सोल्डरिंग करके अपना खुद का सर्किट बना सकते हो। तो मैंने ये हल्का सा तोड़ के ले लिया है, ठीक है। ये मैंने इसमें से थोड़ा तोड़ के निकाला है, ये 20 रुपए का आता है, ज्यादा महंगा नहीं आता है मार्केट में। अब उसके बाद मैंने क्या किया, सोल्डरिंग करके इस पे चिपका दिया है, तो अब ये सपोर्ट अच्छा मिल गया है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मल्टीमीटर लीजिए अपना, ये रहा हमारा मल्टीमीटर, और शायद आपको दिखता होगा मैं इस मल्टीमीटर को सेट कर रहा हूँ इस पे बजर के रेंज में, ठीक है। और थोड़ा डिस्प्ले आपको शायद दिख रहा होगा। अब मुझे क्या करना है, मैं इस मल्टीमीटर को एक एक रखूंगा पोर्ट को सबसे एंड में और एक रखूंगा ऊपर में, और सारे पिन पे एक बार टच करके चेक करूंगा कि किसी रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इनमें से किसी भी रीडिंग नहीं आ रही है, आप भी शायद दोस्तों देख सकते हो, इनमें से शायद दूर हो गया ना, ठीक है। तो इनमें से किसी भी रीडिंग नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि मैं उल्टा चेक कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे प्लस रखा था एंड में, तो प्लस हटा करके अब मैं यहाँ रखूंगा नेगेटिव, ठीक है, यानी कि ये एंड जो है ग्राउंड हुआ, अगर पॉजिटिव काम नहीं किया तो। अब मैं चेक करूंगा सब में से, देखिए एक में रीडिंग आ रही है, यानी कि एंड वाले पे, यानी कि ये यहां से हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, तो 1 नंबर पिन में और 2 नंबर पिन में मैं रख रहा हूँ, 1 में नेगेटिव रख रहा हूँ और 2 नंबर में पॉजिटिव रख रहा हूँ, तो रीडिंग यहाँ पे दिखा रही है 830, 829, 827, ये रीडिंग हमारी यहाँ पे आ रही है। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो माइक का कनेक्शन है वो ये पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 में है, पिन नंबर 1 में नेगेटिव है और पिन नंबर 2 में पॉजिटिव है, ठीक है। यहां तक अब समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें लगा के बस चेक करना है कि पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 ग्राउंड किस में आ रहा है और वो किस में आ रहा है, पॉजिटिव किस में और नेगेटिव किस में आ रहा है। तो मैं एक रखता हूँ यहाँ पे, एक रखता हूँ यहाँ पे, देखो आ गया रीडिंग आ गया। इसका मतलब ये पिन जो है ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, ठीक है। और इसका पॉइंट्स जो है यहाँ पे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। ये मैं यहाँ भी रख के एक बार रीडिंग ले लेता हूँ, आ रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, अब मुझे मल्टीमीटर को साइड रख दीजिए,
और 2 ठो वायर मुझे लेना होगा, और 2 वायर को एक काम करना होगा, पॉजिटिव वाला साइड में एक बार घुसा करके मुझे इसे सोल्डरिंग करना होगा। तो मैं सोच रहा हूँ इसे ऊपर से रखूँ। ऊपर रखने का रीजन ये दोस्तों, क्योंकि मैं इसे बॉडी में सोल्डरिंग कर दूंगा, चिपका दूंगा, तो नीचे रहेगा उसे तो सही से चिपकेगा नहीं। ये सोल्डरिंग हो गया रेड। अब नेगेटिव, नेगेटिव में ग्रीन यूज कर रहा हूँ, तो आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि ग्रीन को भी पॉजिटिव कुछ लोग मानते हैं, हालांकि पॉजिटिव तो रेड होता है, ग्रीन को अर्थिंग में लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सोल्डरिंग कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अपना सीपीयू खोलूंगा और उसमें देखूंगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन कहाँ पे है, और मैं वहां डायरेक्टली इसे सोल्डरिंग कर दूंगा। तो ये मैं करूंगा, ठीक है। तो मैं उससे पहले एक बार क्या करूंगा कि इन वायर पे हल्का सा सोल्डरिंग चढ़ा दूंगा, ताकि मुझे जब मैं सोल्डरिंग करूं तो मुझे सोल्डरिंग का ये लेने की, सोल्डरिंग वायर को पिघलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हमारा रेडी है, अब हम चलते हैं अपने सिस्टम पे। हाँ, तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मैंने कंप्यूटर के अंदर से जो फ्रंट पैनल में जो पिन लगे होते हैं यूएसबी के, और दो साउंड, एक साउंड आउटपुट का और एक माइक का, तो मैंने ये पिन मैंने बाहर निकाल लिया है। आप देख सकते हो इसमें दो है, यहाँ पे भी लिखा है यूएसबी और इसमें लिखा है ऑडियो। ठीक है, तो अब मैं ये करूंगा, सबसे पहले इसके बैक साइड में आइए। अब बैक साइड में आने के बाद ये है हमारा माइक का, ठीक है, ये जो पिन है ये हमारा माइक का है। तो अभी हमें करना ये है, आप देख रहे होगे यहाँ पे ये साइड वाला पैनल है, एक एक पिन ये है और एक ये, एक ये राइट का, ये लेफ्ट का माइक, ठीक, और ये ग्राउंड। तो लेकिन माइक में क्या होता है, माइक में हम लोग थोड़ा उल्टा चलते हैं, तो उल्टा चलते हैं इसीलिए हम लोग जो पॉजिटिव है हम लोग पॉजिटिव में, इसका थोड़ा प्रिंसिपल थोड़ा उल्टा होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे पॉजिटिव वाले में, तो भी हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमने सोल्डरिंग किया था इसको देख सकते हो, तो इसका जो पॉजिटिव है हम लोग इसका पॉजिटिव दे देंगे इसके नेगेटिव में। ठीक है, तो हम इसके नेगेटिव में इसका पॉजिटिव सोल्डरिंग कर देते हैं। तो अभी आपको कैसे मालूम पड़ेगा आपके में नेगेटिव कौन सा है, कौन सा पॉजिटिव है, ये मालूम करने का एक ही तरीका है कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो ग्राउंड लाइन आया है, आप यूएसबी देखो ना, ये जो है ये हमेशा नेगेटिव में रहता है, इसका जो ये लोहा वाला हिस्सा है बाहर वाला, ये हमेशा नेगेटिव में रहता है दोनों, तो उसी से मालूम पड़ा। देखो सोल्डरिंग इसमें यहाँ पे और ये राउंड, ये लाइन दोनों सेम है, देख के मालूम पड़ता है यहाँ से, तो इसलिए हमने इसके नेगेटिव में इसका पॉजिटिव सोल्डरिंग कर दिया। और जो बचे इसके नेगेटिव वाले वायर हम इनके राइट और लेफ्ट दोनों में दे देंगे, दोनों में जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला होके आया यहाँ पे और ये वाला होके आया यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे इसी के बीच में इसे रख करके यहाँ पे सोल्डरिंग कर देंगे, ताकि ये दोनों से अच्छे से सोल्ड हो जाए। आप इसे अपने सिस्टम में कर सकते हो, याद है, अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता हो आपके सिस्टम में थोड़ा उल्टा हो, क्योंकि कंप्यूटर के बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं, कोई कंपनियां कुछ और तरीके से बनाती हैं, कोई कंपनियां कुछ और तरीके से बनाती हैं, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर का ही फॉल्ट होता है, उसके बाद आपकी में ना आए, तो उसके बाद पहले हमें साउंड सेटअप करना होगा। सेटिंग में जाएंगे तो वहां पे आपको साउंड के बाद वहां पे कैचिंग के लिए मिला करके, तो वहां से आप कर सकते हो, आप देख सकते हो कौन सा पिन आपके में काम कर रहा है। तो अभी मैं सोल्डरिंग कर दिया ऐसे, ठीक है। अब सोल्डरिंग करने के बाद आप कैसे मिलाओगे, आपको कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा इजिली कि आप कैसे मिलाना है, और मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस पर मैं बनाऊंगा तो ये बहुत लंबा चल रहा है ये वीडियो, तो ज्यादातर लोग देखेंगे भी नहीं, जिनको काम होगा सिर्फ वही देखते हैं, ऐसे तो कौन देखता है हमारे वीडियोस। चलिए हम आते हैं अभी ये सिस्टम पे, आपको करके दिखाते हैं। हाँ दोस्तों, हम अभी क्या करेंगे, ये जो हमारा किट था जिसको हमने सोल्डरिंग करके भी निकाला है, तो इसकी जो 2 वायर हैं, एक ये ऑडियो का एक यूएसबी का, तो पहले हम दोनों को अच्छे से प्रॉपर तरीके से अपने सिस्टम में लगा देंगे। हमारा सिस्टम अभी ऑन है, ऑफ नहीं है, इसलिए थोड़ा मुझे अच्छे से लगाना होगा, कहीं शॉर्ट हुआ तो चल बसेगा, सीधा हमारा पावर सप्लाई है। तो ऑडियो का पोर्ट हमने लगा दिया दोस्तों, अब बचा हमारे यूएसबी का पोर्ट,
हम इजी भी लगा देते हैं। तो हमने, अरे आपको दिखा नहीं रहा हूँ मैं, देखिए यूएसबी मैंने लगा दिया और हमने ये ऑडियो लगा दिया, ठीक है। और इसका जो वायर है ये वायर है, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसे सिस्टम में अपने कस दूंगा और ये जो हमने अलग से पिन लगाया है इसे मैं अलग से चिपका दूंगा बाहर में, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अभी ये हमने अंदर से निकाल दिया है सोल्डरिंग करके। अभी हमें क्या करना है कि हम इसके ऊपर फैब्रिक क्विक लगा करके इसे चिपका देंगे, ठीक है। तो हम पहले अच्छे से फैब्रिक क्विक इस पर लगा दें, ठीक है लगा दिया। और अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे सीधे अंदर की में इसे लगा करके कि हमारा खूबसूरती भी खराब ना हो और हमारा काम भी हो जाए। सॉरी मैं नीचे कर दिया बाबा, मैं भूल जाता हूँ कि आपको भी दिखाना, ठीक है। तो हमने इसे चिपका दिया, वायर थोड़ा यार लंबे हो गए हैं, सॉरी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे चिपका दिया है, ठीक है। तो अब हमारा ये जैक हमारा रेडी हो गया, हम इसे थोड़ा सूखने देंगे और उसके बाद हम थोड़ा इसे यूज करके बाद चेक करेंगे कि ये काम भी करता है कि नहीं। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास में माइक है, ये माइक में लगा देता हूँ और ये जो पिन है इसका पिन में इस पोर्ट में लगा देता हूँ। लगाते ही ये देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए जब मैं कुछ भी बोलूंगा, जब मैं कुछ भी बोलूंगा तो ये यहाँ पे हलचल होगी, ये हल्का कम कैचिंग ले रहा है साउंड, लेकिन अगर देखा जाए तो ये मेरे पूरे रूम में जो भी मैं बोल रहा हूँ तो ये गूंज रहे हैं। जैसे कि आप सुन सकते हैं, हेलो हेलो हेलो, ऐसे ही मैं जो भी बोलूंगा ये मेरा आवाज कैच करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय फ्रेंड्स, अंकल फिर मिलेंगे कुछ नए एक्साइटिंग वीडियोस के साथ में।